नमस्कार मु आज गोटे बहुत इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट विषय कहवाक जाऊँ से हूँ ईजीएफआर एस्टिमेटेड ग्लोमेर फिल्ट्रेशन रेट एटा कौन एटा आमर कौन आवश्यक आम कहीं जानवा दरकार से विषय आज मु सहित आलोचना करी तो आमर दीटी किडनी अच्छी प्रत्येक किडनी रे 10 लक्ष लेखा नेफ्रन अच्छी नेफ्रन मान जो थे कि जो स्मॉल यूनिट जो थे कि आम जो परिसराटा फिल्ट्रेशन हुए एवं परिष्कार हुए आईटा को नेफ्रन कहती ये चित्रटा देखुं गोटे नेफ्रन रोटे तार गोटे चित्र जो थे कि आप देखुवे ये नेफ्रन को प्रति किडनी को आम दीटा को किडनी को प्राय प्रति मिनिट्रे प्राय 125 ml रक्त आसे एवं से रक्त आसिक फिल्ट्रेशन हुए गोटे दिन भितर प्राय 200 लिटर आमर ब्लड यही आम किडनी द्वारा प्यूरीफिकेसन हुए एवं प्रति मिनिट्रे 125 ml पशे तो ब्लड में दि प्रकार जिनस थाए जमी आम पानी अंश थाए जोटा कि प्लाज्मा कहते कि सॉलिड अंश थाए से जमीर आरबीसी डब्ल्यूबीसी एवं प्रोटीन थाए तो जिते ब्लडटा जिते आम किडनी भितर प्रवेश कै आट्री बाटे तो सेटा जो बड़ बड़ जिनस गुड़ा जो रहा जो पार्टिकल गुड़ा जमी कह आरबीसी डब्ल्यूबीसी से गुड़ा ब्लड मैंने बाहरी जाए आ बाकी जो पानी अंशटा रहा प्लाज्माटा रहा तो से पानी अंशटा आमर जो ग्लोमेरुलस कहते जो फिल्ट्रेसन हुए यहीटा ग्लोमेरुलस भितर प्रवेश कै सो जी परिमाण जो पानिया अंशटा प्रवेश कै से फिल्ट्रेसन आमर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन कहती तो सैया हूँ से साधारण से गोटे सुस्थ लोकर से 120 ml पर मिनिट प्रति मिनिट प्रति मिनिट्रे 120 ml फिल्ट्रेसन हुए फिल्ट्रेसन है कौन हुए ना से जी फिल्ट्रेसन हुए से प्राय 95% पुणी आमर शरीर रिअबजर्व हो जाए आकी अल्प किसी प्राय 5 रु 10 ml आमर से परिश्रा ही बाहरी जाए तो नॉर्मल जीएफआर केते तो आम जमी जानू आम जमी ओजन को कहचु किलोग्राम आम जमी कह गोटे लेंथ को कह मीटर सेमती आम जो किडनी फंक्शन से आम करूँ से मिलीलीटर पर मिनिट तो आम नॉर्मल जीएफआर गोटे लोक रोचे 100 रु 125 ml पर मिनिट तो यहाँ क्या निर्भर करे तो ये मनिषर बयस तार ओजन कहीं तारी उपरे से निर्भर करे एवं नंबर ऑफ नेफ्रन माने आम कहली जे गोटे आम साधारण तो गोटे किडनी रे प्राय 10 लक्ष नेफ्रन थाए किंतु ये जो नेफ्रन कौन हुए ना धीरे धीरे आम जमी बयस बढ़ी बढ़ी चले ताले से नेफ्रन संख्या कमी कमी जाए उदाहरण स्वरूप जदि गोटे 20 वर्ष पिलार तार किडनी रे 10 लक्ष नेफ्रन अच्छी ताहले सेटा जो से 80 वर्ष हो जाए से प्राय अधा हो जा 5 लक्ष हो जाए तेणु से जमी तार नेफ्रन कमी कमी जीव सेमती आम बॉडी जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कमी कमी जीव एवं आमर जदि गोटे अधिक वेट अधिक ओजन वाला लोक थी तार जीएफआर अधिक हमार चांसेस थाए तो ये गोटे पिक्चर मुझे देखी आमर केते बेले आम किडनी रोग कह मैंने जीएफआर ये आम 120 रु 60 हूँ ये जो ग्रीन जो देखाई से नॉर्मल जीएफआर जिते बड़े गोटे लोकर जीएफआर 60 ml पर मिलीलीटर तल को आसी जाए से कहू से पेसेंट से लोकर कहू तक किडनी रोग अच्छे जिते बड़े से 15 तल को आसी जाए जो रेड आप नाली देखुं सेटा जब से लेवल को आसीगला 15 जीएफआर 15 तल आसला जोटा कि आम क्लासिकाली आम जो कहू किडनी फेल्योर तो सहीटा को किडनी फेल्योर से लेवल कह जाए तो यही जो किडनी फेल्योर आम जो एस्टिमेट डॉक्टर मैंने करते ये जीएफआर ही से देखिकी कही था तो आम ये जीएफआर टा केमी एस्टिमेट कराए तो जीएम एस्टिमेट मैंने केमती जना जाए तो केतार बहुत गुड़ा मेथड्स अच्छी ताकि गोटे है इनुलिन मेथड अच्छी तो से 125 आई थैलामेट से यूज कराए किंतु जेहेतु से बहुत कम्बरसम बहुत टाइम टेकिंग खर्च टेस्ट बोली सेटा साधारण तो आजिकाली करा जाए ना
आ द्वितीय जिनसटा हो जो डीटीपीएस स्कैन जो कहते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन मेथड करा जाए से गोटे आमर न्यूक्लियर डाई आसे से इंजेक्शन दि जाए भेन रे देलापर से जिते किडनी थ्रो पास कै तो से देखेब जो आम किडनी के फंक्शन अच्छी यार एडवांटेज है ये डीटीपीएस स्कैन से आम जापर जो प्रत्येक किडनी के परसेंट कम कर तेणु आजिकल साधारण आम ये केवल किडनी जो मैंने ट्रांसप्लांट हो चाहते डोनर मानकर किडनी फंक्शन जानापी एटा साधारण करा जाए कि जिते जो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए तार किडनी फंक्शन जानापी से स्कैन रे यूज करा जाए तो जेहेतु एक्चुअल बहुत तार कॉस्टली टेस्ट बहुत खर्च पड़े से आम रेगुलर किडनी फंक्शन जानापी आम करूना केवल जो मर किडनी ट्रांसप्लांट हो ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन आम ये डीटीपीएस स्कैन कर तापर जो केत टेस्ट अच्छी जोटा कि आम जो मैं जो ईजीएफआर आप कहली एस्टिमेटेड जीएफआर मैंने आम साधारण गोटे रोगी आम कौन करूना सीरम क्रिएटिनिन करूँ सीरम क्रिएटिनिन जिते किडनी प्रॉब्लम बढ़ी बढ़ी जाए से क्रिएटिनिन बढ़ी बढ़ी जाए आई क्रिएटिनिन को लेकिन आम कत फर्मूला अच्छी जमी गोटे एमडीआरडी मोर फर्मूला अच्छी गोटे सिकीडीपीए मेथड अच्छी गोटे कॉकरोच गोल्ट मेथड अच्छी तो वर्तमान एमडीआरडी साधारण आम जो रिसर्च वर्क व्यवहार करा जाए आ कॉकरोच गोल्ट बहुत पुराना होगा यूज करना वर्तमान प्रायतः मैक्सिमम डॉक्टर सिकीडीईपीआई मेथड को ही आम ईजीएफआर ये गोटे फर्मूला ये सब फर्मूला अच्छी से फर्मूला आपण मैंने चाहिए से ऑनलाइन आप जीएफआर एस्टिमेशन ऑनलाइन फर्मूला अवेलेबल अच्छे से जेकोसी लोक सर बयस और क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन देकर सीए एस्टिमेट करें जीएफआर टा कहीं एस्टिमेट करूँ जीएफआर आम कहीं एस्टिमेट करूँ तार यूज कौन तार यूज हूँ जिते आम जड़े जड़े रोगी जिते किडनी रोगी रोग हो तो आम कमी कौन मैनेजमेंट कौ स्टेज कौन मैनेजमेंट कर स्टेज न जानवु तो मैनेजमेंट केमती करूँ तेणु जड़े धरतु तार जीएफआर कमी कमी जाऊँ आग द्वारा प्लान कराइक पड़ो से डायलीसीस जी कि ट्रांसप्लांट हे कि मेडिसीन रे तो से जीएफआर रु ही आम डिसाइड करूँ से गोटे जीएफआर गोटे आमको साहय केवल जीएफआर जो कराए नुहे सिम्टम्स देखिए कि गोटे गाइड जोटा कि आम फ्यूचर आम कमी कौन तक ट्रिटमेंट लोकटा जो किडनी रोगी चिकित्सा करूँ द्वितीय जिनस है जे आमर अधिकांश औषध प्राय 95% औषध जो खाऊ से लास्ट से कौन हुए ना परिसरा से बाहरी जाए जदि किडनी जदि कम करू नाले कौन हम ना से जो औषध गुड़ा आम देह जमी जाकर साइड इफेक्ट आ टॉक्सिसिटी हम से आमर अधिकांश औषध जो मैंने विभिन्न जेकोसी औषध आम खाऊ से औषध रमर तार डोज आमको एडजस्ट करा पड़ आमर किडनी फंक्शन अनुसार तो किडनी फंक्शन जानवे कमी ना ईजीएफआर आम एस्टिमेशन कलापर ही से आम से एडजस्ट करूँ तेणु यह बहुत इम्पोर्टेंट आमर पेसेंटर ट्रिटमेंट पर जो मान क्रोनिक किडनी डिजीज कि एक्यूट किडनी डिजीज अच्छी कमी किडनी रोगटा को स्टेजिंग करा जाए किडनी रोग पांचटी स्टेज विभक्त करा जाए तार मोस्टली से जीएफआर उपरे निर्भर करुच्छे जो नॉर्मल कौन आम जिते आम संपूर्ण नॉर्मल केत कहूँ ना जीएफआर इज मोर देन 90 एवं यूरीन रे कौन सी प्रॉब्लम ना किडनी जीएफआर आम लेस देन 15 ठू कम थाए से आम कहूँ पेसेंट किडनी फेल्योर रे अच्छी शेषे मुझा चाहिए जे आमर जीएफआर एस्टिमेशन बहुत इम्पोर्टेंट कहीं आम गोटे सिकीडी पेसेंटर कौन फ्यूचर आम करूँ कौन तार ट्रीटमेंट करूँ केमी करूँ कौन कौन कर डायलीसीस कर ट्रांसप्लांट करें डिसाइड करूँ एवं औषध आम कमी तार जो जिते सिकीडी हो जाए औषध कमी डोज एडजस्ट करूँ तेणु जीएफआर जाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गोटे क्रोनिक किडनी रोग रोगी चिकित्सापी आर अनुरोध है जे आपण मैंने जो अनफॉर्चुनेटली जो मैंने दुर्भाग्यवश तो किडनी रोग अच्छी तो से निजर जो जीएफआर के जानवा उचित कहीं आपण को गाइड कर
যে আপনার বর্তমানে কেউ স্টেজে অনেক এবং ফ্যুচরে আপনার কোণ ট্রিটমেন্ট দরকার সে বিষয়ে আপনার আগতরা আপনার স্টেপ নেই পারিবে। তেমন আপনার ডক্টরকে বুঝি নিয়ন্তু যে আপনার জিএফআর নম্বর বর্তমানে কেতে অছি। ধন্যবাদ।